नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का वन इंडिया में। भारत की बैडमिंटन स्टार सिंधु को शनिवार को हुए सेमीफाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा है। सिंधु का मुकाबला वर्ल्ड की नंबर एक शटलर चीनी ताइपे की ताइजू यिंग के खिलाफ हुआ था, जिसने सिंधु को 21-18, 21-12 से सीधे सेंटों से हरा दिया है। मैच से पहले पीवी सिंधु जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, मगर सिंधु को आज हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि सिंधु अभी भी मेडल की दावेदार हैं। जी हां, सिंधु अभी भी मेडल ला सकती हैं, वो अभी भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर सकती हैं। बता दें कि सिंधु मैच के पहले सेट में चाइनीज शटलर को कड़ी टक्कर दे रही थी, मगर दूसरे सेट में सिंधु वापसी नहीं कर पाई और 21-12 के अंकों से मैच गंवा बैठी। पहला गेम गंवाने के बाद दूसरे सेट में भी पीवी सिंधु की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरे गेम में पहले हाफ तक वो 11-7 से पीछे थी। सिंधु काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन बैकहैंड क्रॉस कोर्ट उनके लिए मुश्किल बन चुका था और शायद ताई ने उनकी यही कमजोरी पकड़ ली, जिसके बाद उन्होंने सिंधु को वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। पीवी सिंधु को बड़े टूर्नामेंट का खिलाड़ी माना जाता है और इस ओलंपिक में उन्होंने ये करके भी दिखाया है, क्योंकि इस ओलंपिक में सिंधु ने ये अपना पहला मैच ही हारा है। मैच को देखकर एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद आज फिर सिंधु की जीत होगी, मगर पहले सेट में 11-8 से पिछड़ने के बाद वर्ल्ड की नंबर एक खिलाड़ी ने जोरदार वापसी की और अंत में मैच अपने नाम कर लिया। सिंधु का अगला मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल के लिए 1 अगस्त को चाइनीज शटलर ही बिंग जाओ के साथ होने वाला है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।